Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am your Islamiyat teacher here. Take out your books of Islamiyat and open your page number 6. Aaj hum padhenge Durood Ibrahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta अला इब्राहिम वाला अल इब्राहिम अन्ना का हमीदुम मजीद. राइट, अब ये दो पार्ट्स हैं. आपने देखा है दुरूद के दो पार्ट्स हैं. पहले पार्ट में उन्होंने रहमत का जिक्र किया है और दूसरे में बरकत का. तर्जमा पढ़ते हैं. ए अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की आल पर रहमत भेज, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर रहमत भेजी. बेशक तेरी ज़ात तारीफ़ के लायक है और बुज़ुर्ग है. ए अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की आल पर बरकत भेज, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर बरकत भेजी. बेशक तेरी ज़ात तारीफ़ के लायक और बुज़ुर्ग है. राइट, इसमें दो पार्ट्स का है कि पहले कहा गया है कि हज़रत इब्राहिम पे और हज़रत इब्राहिम की आल उम्मत पे जिस तरह आपने रहमत भेजी, वैसे ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर रहमत भेजे. इसी तरह पहले सेकंड में बरकत का बताया गया है कि जिस तरह आपने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर बरकत भेजी, इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर बरकत भेजे. नाउ सेकेंड इज़ नमाज की हालत में जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं नमाज में, तो उसके बाद हम जो दुआ पढ़ते हैं और सलाम फेरने से पहले जो हम दुआ पढ़ते हैं वो क्या है. रब्बी जानली मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ रब्बना अग़फ़िरली वली वालिदैया वली मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब. ये वो दुआ है जो हम नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद पढ़ते हैं. इसका तर्जमा क्या है? ए परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि नमाज पढ़ता रहूं और मेरी औलाद को भी ये तौफीक दे. ए मेरे परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल फरमा. ए परवरदिगार, मेरी और मेरे वालदैन की और मोमिनों की मगफरत फरमा उस रोज़ जबकि अमाल का हिसाब होने लगे. इसमें हम क्या दुआ करते हैं कि या ए अल्लाह, हमें तौफीक दे कि हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी दुआ को कबूल फरमाएं. और ये हम दुआ करते हैं अपने लिए, अपने वालदैन के लिए और जितने भी मोमिनीन हैं, मोमिन लोग हैं उनके लिए हम क्या दुआ करते हैं कि हमारे जितने भी क़यामत के दिन हिसाब होगा, हमसे सवालात होंगे, हमारे जितने भी गुनाह होंगे, हमें उनसे बख्शिश फरमा, हमें हमारी क्या कर दें, मग़फ़रत कर दें. राइट, नाउ ओपन योर वर्कशीट एंड वर्कशीट नंबर 7. अब हम तर्जमा लिखेंगे. रब्बी जानली मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ. ए परवरदिगार मुझे तौफीक दे के नमाज पढ़ती रहूं. जो बॉयज़ हैं वो क्या लिखेंगे? पढ़ती रहूं. और मेरी औलाद को भी. ऐ परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल फरमा. राइट, रब्बना अग़फ़िरली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब. ऐ परवरदिगार, मेरी और मेरे वालदैन की और मोमिनों की मग़फ़िरत फरमा उस रोज़ जबकि
अमाल का हिसाब होने लगे। राइट, लास्ट क्वेश्चन रहने देंगे। हम फर्स्ट टू करेंगे जी तर्जमा लिखेंगे उस दुआ का जो हम दुरूद शरीफ के बाद पढ़ते हैं और सलाम फेरने से पहले पढ़ते हैं। ओके, नाउ ओपन योर वर्कशीट नंबर 8। दरूद इब्राहिमी से रिलेटेड कुछ ब्लैंक्स हैं, हम उनको फिल करेंगे। ए परवरदिगार, हमें दुनिया में भी डैश अता फरमा, दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखरत में भी भलाई अता फरमा, और हमें दोजख की डैश से बचा, दोजख की आग से बचा। ए अल्लाह, मुझे डैश दे के मैं नमाज पढ़ता रहूँ। ए अल्लाह, मुझे क्या दे? तौफीक दे। ए परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल फरमा और मेरी और मेरे वालदैन की और मोमिनों की मगफिरत फरमा। और उस रोज़ जब अमाल का हिसाब होने लगेगा। राइट, हम आपने वर्कशीट नंबर 7 और 8 जो है वो सॉल्व करनी है विद योर लेड पेंसिल्स, और आपने दुरूद इब्राहिमी और जो दुआ हमने पढ़ी है उसको भी घर में पढ़ना और जुबानी भी याद करना है। राइट, विद ट्रांसलेशन, विद तर्जुमा। राइट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।